चलन हुई। बहुत सुहानी सुबह है। डीजल और लोको काम के लिए जा रहे हैं। हाय मिस्टर। गुड मॉर्निंग। हेलो डीजल, लोको। एक मिनट रुको, तुम्हें एक साथ काम पर जाना है। जी। लोको को काम के बारे में पता नहीं, इसलिए डीजल तुम उसे समझा देना। जी जरूर समझाऊंगा। लोको मेरे साथ साथ चलना। ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना। जी बिल्कुल। शाम को मिलेंगे मिस्टर हब। गुड बाय। तो ये है हार्बर। क्रेनी के पास चलकर कंटेनर्स लोड करवाते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग क्रेनी। आओ, सही समय पर पहुंच गए। क्रेनी, आज कंटेनर्स धीरे धीरे लोड करना। धीरे? क्यों? लोको नया है, इसलिए उसे दिखाना कि काम कैसे होता है। ठीक है, मैं समझ गया। तो चलो अब शुरू करते हैं हम। लिफ्टिंग, लोडिंग, लोडिंग। लोको, ध्यान से देखो, हर कंटेनर के बाद थोड़ा आगे बढ़ो ताकि क्रेनी को अगला कंटेनर रखने में कोई दिक्कत ना हो। मैं करके दिखाता हूँ। इस तरह से। समझ गया। अब जब डीजल का हो गया, अब मेरी बारी है क्रेनी। ठीक कहा बच्चे। ये उठाया उठाया और ये रखा। हर लोड के बाद मुझे आगे बढ़ना चाहिए, जैसा डीजल ने मुझे सिखाया है। अब यहाँ रुक जाना चाहिए। मैं अगले कंटेनर के लिए तैयार हूँ। ओहो, जल्दी सीख गए। तो लो, ये रखा। लो, तैयार हो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात कहूँ, पहले दिन तुम्हारे मुकाबले में ज्यादा अच्छा किया है लोगों ने डीजल। कुछ भी बोलते रहते हो तुम। अब हमें चलना चाहिए। साथ चलो लोगो। बाय, फिर मिलते हैं। हाँ ठीक है। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? लोको अच्छा है क्योंकि मैं उसे सिखा रहा हूँ। लोको और डीजल खदान में पहुंच गए। बस थोड़ा सा और आगे आ जाओ तुम। ठीक है। हाँ काफी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया लोको। बहुत बहुत शुक्रिया। ये नई ट्रेन तो बहुत समझदार लगती है। तुमने ठीक कहा। और इसका तो आज पहला दिन है काम पर। बहुत बढ़िया। मैंने इसे सब कुछ सिखाया। अब मैं इन्हें दिखाऊंगा कि डीजल क्या चीज है। मैं भी लोडिंग के लिए तैयार हूँ। ठीक है। मैं इन्हें हैरान कर दूंगा। शायद अब मुझे चलना चाहिए। वहाँ पर तो काम चल रहा है। रुक जाओ लोको। अरे रुको, अरे रुको डीजल। इसे क्या हो गया? रहा है लोको, रुक जाओ लोको। तुमने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का निशान नहीं देखा क्या? निशान? कैसा निशान? वो रहा। जब भी काम करो हमेशा आसपास नजर रखो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया डीजल। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें मैं सिखा रहा हूँ। डीजल, तुम इस तरह भाग नहीं सकते। सारी लाइन पर पत्थर गिर गए। मैं भूल गया। मैं माफी चाहता हूँ। तुमने नौसिखियों वाली गलती की है डीजल, जबकि लोगों ने अच्छे से लोड कराया। डीजल, तुम थोड़ा ध्यान से काम करो। एक तो लोगों की मदद करो और ऊपर से इन सब की बातें भी सुनो। काम पूरा करने के बाद डीजल और लोगों वापस शहर की ओर चल पड़े। लेकिन डीजल का मूड तो कुछ खराब सा है। हम वापस आ गए मिस्टर। अच्छा काम किया दोनों ने। लोको, काम का पहला दिन कैसा रहा? वो आज डीजल ने मुझे। लोको, मैंने आज तुम्हारे काम की बहुत तारीफें सुनी हैं। वाह, ज्यादातर रेल डर की वजह से गलतियाँ कर देती है। तुमने कमाल कर दिया लोको। शुक्रिया।
डीजल को ये देखकर बुरा लगा कि सिर्फ लोको को ही शाबाशी मिली। किसी को ये नजर नहीं आ रहा कि लोको को अच्छा काम करना इस डीजल ने सिखाया है। जीनी, कोई जरूरी काम है। मिस्टर हब तुम्हें बुला रहे हैं। तुम्हें पता है उन्हें क्या काम है? मुझे नहीं पता, बाकी सारी रेल वहाँ पहुँच चुकी है, जल्दी चलो। अच्छा, तो फिर चलते हैं। अरे तुम भी यहाँ पर हो? हाँ, सब लोग आ चुके हैं, शुरू करते हैं। आज के बाद से माल ढुलाई का काम डीजल नहीं लोको करेगा, वो अच्छा करता है। सच में? लोको चूचू टाउन की सबसे अच्छी मालगाड़ी है। तो फिर मैं कौन सा काम करूंगा अब? तुम लोको के सहायक बन सकते हो। क्या, मैं इसका सहायक बनूं? ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, मैं नहीं बन सकता। ओ, ओ, शुक्र है ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन अगर ये सपना सच हो गया तो क्या आइडिया आया है मुझे। चिटीपो, चिटीपो। अगली सुबह हो चुकी है, डीजल कुछ ज्यादा ही माल बोगियां ले जा रहा है। आज मेरी ताकत देखकर सब तारीफ करेंगे। डीजल तो कमाल का है। लोगों से तो काफी बेहतर है डीजल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डीजल। अरे आज इतनी माल बोगी क्यों ले आए हो? तुम चिंता मत करो, मैं संभाल सकता हूँ। तुम्हें पक्का विश्वास है डीजल? मुझे तो ये कुछ ज्यादा ही लग रहा है। ठीक है, लोडिंग हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन डीजल, तुम्हें लगता है कि तुम ये खींच पाओगे? कोई शक नहीं है डीजल। हाय लोको। तुम्हारा स्वागत है लोको। गुड मॉर्निंग सर। वाओ डीजल, तुम्हारे पास तो बहुत सामान है। अरे मेरे बाएं हाथ का खेल है ये। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ। मैं चल क्यों नहीं पा रहा हूँ। जोर लगाऊं? पहले ही कहा था, तुम कुछ ज्यादा ही लोड ले जा रहे हो। अब हम क्या करें? मेरे पास एक तरकीब है। हाँ बोलो। क्यों ना डीजल और मैं सामान को बराबर बराबर बांट लें? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। ये सामान हार्बर लेकर जाना है ना? हाँ ठीक है। तुम अच्छा काम करते हो तो तुम्हें मेरी क्या जरूरत है, खुद ही रास्ता ढूंढ लेना तुम। बाय। डीजल। हाय डीजल। हेलो। लोको कहाँ है? तुम भी उसी को पूछोगी जीनी? हाँ। जानता हूँ कि तुम उसकी तारीफ करना चाहती हो, जबकि मैंने उसे सब कुछ सिखाया है और तारीफें उसको मिल रही हैं। ये ठीक बात नहीं है। क्या कह रहे हो, सब तुम्हारी भी तारीफ कर रहे हैं। ओह जीनी, टिटीपो, आ गए तुम लोग। मिस्टर हब, क्या लोको ठीक काम कर रहा है? उसे परेशानी हो रही होगी। वो अच्छा काम कर रहा है, मुझे चिंता थी, लेकिन डीजल की वजह से वो ठीक से सीख रहा है। ठीक कहा आपने, सब कह रहे हैं डीजल एक बहुत अच्छा टीचर है। वाह, डीजल कमाल का है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, लोको ने भी कहा उसने सब कुछ तुमसे सीखा है। लोको ने कहा? तो तुम्हें पता है वो इस समय कहाँ पर है? वो हार्बर गया था। वापस आते हुए मैंने देखा था बंदरगाह के ट्रैक पर काम चल रहा था, वो ठीक तो होगा ना? काम चल रहा था? मैं जल्दी मिलता हूँ तुमसे। परेशान होकर डीजल लोको को ढूंढने निकल पड़ा। लोको को अभी रास्तों का पता भी नहीं है, अगर उसके साथ कोई हादसा हो गया तो? ऐसा नहीं होना चाहिए। डीजल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लोको, तुम ठीक तो हो ना? क्या?
हार्बर जाने वाली लाइन पर काम चल रहा है, तुम अकेले गए तो मैं डर गया। हाँ, चिंता मत करो, तुमने सब अच्छे से सिखाया था। क्या मैंने सिखाया? क्या तुम्हें याद नहीं है डीजल? जब भी काम करो हमेशा आसपास नजर रखो। जब मैं हार्बर जा रहा था मैंने वही निशान देखा तो मैं दूसरे रास्ते चला गया। हाँ सही कहा, मैंने ही तो कहा था। हाँ। लोको, तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया डीजल। कहा था ना, मेरे साथ रहोगे तो सब सीख जाओगे। ये सच है, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, एक शानदार और मजबूत मालगाड़ी। लोको, अगर जमकर मेहनत करोगे तो जल्दी ही मेरे जैसे बन जाओगे। वाह, पक्की बात? पक्की बात। डीजल की वजह से लोको ने पहले ही दिन अच्छा काम किया। शाबाश डीजल। मिस्टर स्टीम का नया काम। आज टीटी पो की छुट्टी है। एरिक। टीटी पो, गुड मॉर्निंग। तुम बाहर खेलने चलोगे? मैं नहीं जा सकता, मुझे दोपहर में कुछ काम है। काम है? तो आज मैं क्या करूं? तुम मिस्टर स्टीम के पास क्यों नहीं जाते? मिस्टर स्टीम कौन है एरिक? वो पुराने जमाने के भाप के इंजन हैं। उनके साथ बहुत मजा आएगा, काफी मजेदार कहानियाँ सुनाते हैं। मजेदार कहानियाँ? वो पुराने जमाने के किस्से सुनाएंगे तुम्हें। वाह, उनसे मिलने का मन कर रहा है। वो शहर के बाहर एक स्टेशन पर रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एरिक। मस्ती करना टीटी पो। हाँ जरूर। कहाँ पर होंगे वो? ओ, जरूर यही मिस्टर स्टीम होंगे, मजा आएगा। जरा सुनिए। लगता नहीं कि मैं तुम्हें जानता हूँ, कौन हो तुम? मेरा नाम है टीटीपो। टीटीपो, मिलकर खुशी हुई, मुझे स्टीम कहते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। कितनी अच्छी आवाज है तुम्हारी, बताओ तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? एरिक ने कहा आपसे मिल लूं, उसने कहा कि आपके पास बहुत अच्छी और मजेदार कहानियाँ हैं। ऐसा कहा? जी, मैं उनमें से कुछ मजेदार कहानियाँ सुनना चाहता हूँ। जरूर सुनाऊंगा तुम्हें, अब कौन सी कहानी सुनाऊं मैं? क्या तुम जवान मिस्टर हर्ब की कहानी सुनना चाहोगे? जवान मिस्टर हर्ब, जरूर सुनना चाहूंगा। इस बोर्ड पर बनी तस्वीर को ध्यान से देखो। बोर्ड पर बनी तस्वीर? हाँ, ये तो मिस्टर हर्ब है। हाँ, ये मिस्टर हर्ब है। इस तस्वीर में ये आदमी सच में मिस्टर हर्ब है? वही है, पहचानना मुश्किल हो रहा है ना? जी। उन दिनों तुम्हारे मिस्टर हर्ब बहुत सारी गलतियाँ किया करते थे। मिस्टर हर्ब गलतियाँ किया करते थे? बिल्कुल, मुझे जवान हर्ब अच्छी तरह याद है। हर्ब, कहाँ चला गया ये? हर्ब, कहाँ हो तुम? याम 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 याम। स्टीम, इतनी देर से तुम अंदर क्या कर रहे थे? जरा मेरी आंख लग गई थी। जवान हर्ब हमेशा झपकियां ही लेता रहता था। मैं अपने दोस्तों को जाके ये कहानी सुनाऊंगा, सब हैरान रह जाएंगे। तो अगली कहानी सुनने के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल। परसों पहले पुरानी तरह की ट्रेन। मिस्टर स्टीम और टीटी पो ने पुराने जमाने की मजेदार कहानियां सुनते सुनाते अपना समय बिताया। अपनी कहानियां सुनाने के लिए शुक्रिया। अगर अच्छी लगी है तो फिर से आना तुम। जी जरूर। हाँ, आपका रूट कितने बजे है? मैं पुराने जमाने की रेल हूँ इसलिए मुझे काम नहीं दिया जाता। तो फिर आप पूरा दिन खड़े रहते हैं? हाँ। अच्छी किस्मत है, आपको काम नहीं करना पड़ता और आप पूरा दिन सो सकते हैं। अगर कर पाता तो मैं काम जरूर किया करता टीटी पो। हाँ, वैसे यहाँ खड़े खड़े आप बोर हो जाते होंगे ना? हाँ,
जब छुट्टी हो जाए तो मेरे साथ घूमने चलिए। घूमने? लेकिन मुझे रास्ते नहीं पता और अब उम्र भी हो गई है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूँगा। ठीक है, हम घूमने के लिए चलेंगे। टीटीपो, टीटीपो। काम खत्म करके टीटीपो मिस्टर स्टीम के साथ घूमने निकल पड़ा। बाहर आकर बहुत मजा आ रहा है। आपको अच्छा लगा? हाँ, जरा उधर देखिए। हाँ? वो है बंदरगाह। अरे वाह, ये कितना बदल गया है। अच्छा, बंदरगाह बहुत छोटा हुआ करता था लेकिन अब बहुत बड़ा है, कमाल है। अब मैं आपको वो रूट दिखाऊंगा जिस पर मैं जाता हूँ। ओ ठीक है। हेलो, हाय सिंह सिंह, बाय। क्या अभी कुछ निकला था यहाँ से? वो मेरी दोस्त है सिंह सिंह, बहुत तेज चलती है। सच में तेज है? ये मेरे रूट पर आने वाले स्टेशन में से एक है। यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। दुनिया वाकई बहुत बदल गई है। वाह, देखो मम्मी, वो ट्रेन कितनी अच्छी और अलग है। अरे हाँ, शायद कोई पुरानी ट्रेन है। देखो, इसके ऊपर तो चिमनी बनी हुई है। क्योंकि मैं भाप का इंजन हूँ। मैं ये भी करता हूँ। वो कितना अच्छा है। क्या आप मुझे घुमा देंगे प्लीज? घुमा दूँ? नहीं बेटा, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, आओ बेटा, चढ़ जाओ। वाह! आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर स्टीम, आप ले जा पाएंगे ना? हाँ, कोई परेशानी नहीं, एक बार फिर से काम करके मजा आएगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं। मिस्टर स्टीम को रूट पर जाकर मजा आ रहा होगा। मिस्टर स्टीम अगले स्टेशन पर पहुंच गए। आप ठीक है मिस्टर स्टीम? हाँ, बस थोड़ी सी खांसी है। मुझे लगता है ये मामूली खांसी नहीं है। लो, हम पहुंच गए स्टीम। इसके बहुत मजा आया। एक बार और शुक्रिया। कोई नहीं, थोड़ा आराम करते हैं। मिस्टर स्टीम, मैं हूँ एरिक। आप इतनी दूर से यहाँ तक कैसे आ गए? ओह, हेलो एरिक, टीटीपो और मैं घूमने निकले हैं। मिस्टर स्टीम ने कुछ लोगों को सैर भी करवाई। वाह, क्या बात है। सॉरी मिस्टर स्टीम, पर मुझे अगले स्टॉप पर जाना होगा। अच्छा, मैं रास्ते से हट जाता हूँ। मिस्टर स्टीम, क्या हुआ? मैं चल नहीं पा रहा हूँ, जरूर कुछ गड़बड़ है। एरिक, माफी चाहता हूँ, मैंने तुम्हारा रास्ता रोक लिया। मैं मदद के लिए फिक्स को बुला लेता हूँ। ठीक है, शायद मुझे बाहर आना ही नहीं चाहिए था। फिक्स मिस्टर स्टीम को टीओ के पास ले जा रहा है। मिस्टर स्टीम, जांच के बाद आप बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। सारी मेरी गलती है, मुझे आपको बाहर नहीं लाना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, उस बच्चे को घुमाने ले जाना मेरी गलती थी और एरिक को भी मेरी वजह से ही देर और परेशानी हुई। लगता है अब घूमना मेरी किस्मत में नहीं। मिस्टर स्टीम, हेलो मिस्टर हब। ओ, आ गए तुम। मैंने स्टीम के बारे में सुना, क्या हो गया था आज? वो वहाँ खड़े खड़े बोर हो गए थे तो मैं उन्हें बाहर ले गया था, लेकिन फिर स्टेशन पर अचानक से उनका आगे बढ़ना रुक गया। समझ गया, माफी चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, असल में रिटायर होने के बाद स्टीम में पहले जैसी ताकत नहीं रही है, तो मैं सोच रहा था कि उसकी मदद कैसे की जाए। अच्छा, जब वो काम करता था तो बहुत ही हंसमुख और जोशीला हुआ करता था। जानता हूँ, जब उन्होंने कुछ लोगों को सैर करवाई तो वो बहुत खुश थे। हाँ, ये ठीक रहेगा। मिस्टर हब, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा? मिस्टर स्टीम को यात्रियों को घुमाना पसंद है ना, तो मैं सोच रहा था शायद उन्हें ये करना अच्छा लगेगा। अगला दिन शुरू हो चुका है
शायद मिस्टर स्टीम की जांच पूरी हो चुकी है। हाय मिस्टर स्टीम, आपको आज कैसा लग रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया, अब पहले से ठीक हूँ। टीटीपो। हेलो मिस्टर स्टीम, गुड मॉर्निंग डियर। मॉर्निंग। हेलो। हेलो टीटीपो। मैं अपने साथ किसी को लाया हूँ। स्टीम, कैसे हो तुम? ओह हर्बी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। सवाल पूछना है? आज से मैं स्टीम ट्रेन का टूर शुरू कर रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इसे लेकर जाओगे। स्टीम ट्रेन का टूर? आप वे स्टेशन के आसपास यात्रियों को घुमाएंगे? वाह, ये तो इनके लिए बढ़िया रहेगा। यात्रियों को घुमाना है? तुम्हें लगता है मैं कर पाऊंगा? बिल्कुल। मैंने आपके कुछ पुराने पुर्जे बदल दिए हैं, तो आप अब बिल्कुल तैयार हैं। सच? तो मैं दोबारा यात्रियों को घुमाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया है। मुझे शुक्रिया मत कहो दोस्त, ये आइडिया तो मुझे टीटीपो ने दिया था। क्या बात है, बहुत बढ़िया टीटीपो। ऐसा करने के लिए शुक्रिया टीटीपो। कोई बात नहीं। कितने सारे लोग हैं। मिस्टर स्टीम आज बहुत खुश है। हाँ, बहुत खुश। सब लोग बैठ गए हैं तो चलूं? हाँ। तो टूर शुरू करते हैं। दूसरी पारी की बधाई हो स्टीम, यूं ही चलते रहो। मजा आ गया। मिस्टर स्टीम फिर से सफर पर निकल पड़े। आपकी यात्रा अच्छी हो मिस्टर स्टीम। मैनी में कुछ खास है। एक बहुत ही अच्छा दिन, और ये आ रहा है टीटीपो। हेलो मिस्टर हब। ओ टीटीपो, गुड मॉर्निंग। आज तुम बंदरगाह जा रहे हो ना? हाँ। मिस्टर हब, काम के लिए तैयार हूँ। ओ आ गए तुम, इससे मिलो। ये है टीटीपो और ये है मैनी, इस शहर की नई मालगाड़ी। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। तुम दोनों ही बंदरगाह जा रहे हो, इसलिए तुम साथ साथ जा सकते हो। तुम आगे आगे चलो। ठीक है। टीटीपो और मैनी बंदरगाह के लिए चल पड़े। काम खत्म करने के बाद मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा। मजा आएगा, वो सब तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। आ, यहाँ एक और तुम्हारी जैसी ट्रेन है, डीजल। अच्छा, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो इससे पहले तुम क्या काम करते थे? मैं खदान में काम करता था। अरे वाह, मैं एक खदान में जा चुका हूँ, बहुत अच्छी जगह है। हाँ, लेकिन खदान में हमेशा सावधान रहना होता है। क्यों? पता है, एक बार एक सुरंग टूटकर मुझ पर गिर गई थी। तो फिर तुमने क्या किया मैनी? मैं चट्टानों को तोड़ता हुआ बाहर निकल आया। तुम चट्टानों के बीच से निकल आए? वाह, तुम कितने मजबूत और बहादुर हो। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है। अरे मुझे लगता है हम पहुंचने वाले हैं। जल्दी पहुंच गए। सुनो मैनी, बाद में मुझे ऐसे और किस्से सुनाओगे? जरूर सुनाऊंगा। बाय टीटीपो, अच्छे से काम करो। बाय, बाद में मिलते हैं। यही वो बंदरगाह है जहां मैनी काम करता है। अगली मालगाड़ी। यहाँ हूँ मैं। मैं आ गया। ओ, तुम जरूर नई मालगाड़ी हो। हाँ, मेरा नाम मैनी है। दमदार मैनी, चलो शुरू करते हैं फिर। जरूर। आप सबका स्वागत है। कैसी है टीटीपो? हेलो। हाय। ओ, ये तो मैनी है। तो पीछे के हिस्से में भी सामान रख दूं? जरूर, मैं आगे निकल जाता हूँ। लेकिन क्यों? अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं तो तुम्हें लोड करने में आसानी होगी। ओह, तुमने काफी कमाल का सोचा। ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। वाह, मैनी कितना अच्छा है।
काम खत्म करने के बाद टीटीपो चूचू शहर में वापस आ गया। हाय दोस्तों। हाय टीटीपो। तुम्हारा काम खत्म हो गया? हाँ। आज जो नई रेल आई है तुम उसे जानते हो? क्या नई रेल आई है? अरे हाँ, तुम अब तक नहीं मिले। उस मालगाड़ी का नाम है मैनी। नई मालगाड़ी आई है? हाँ, नारंगी रंग पे पीली और काली धारियाँ हैं। उसकी आवाज़ भारी है और काम जबरदस्त करता है। एक नई रेल जबरदस्त कैसे हो सकती है? सच कह रहा हूँ, मैंने देखा, उसकी तारीफ भी हो रही थी। कमाल की बात है ये। एक बार खदान की सुरंग गिर गई थी और वो उसमें फंस गया था, फिर वो चट्टानों को तोड़ते हुए बाहर आ गया। वाह, कमाल है। सच में क्या? डीजल, क्या तुम सोच रहे हो मैनी तुमसे ज्यादा ताकतवर है? ये बात नहीं। बंदरगाह जाने का समय हो रहा है, तैयार हो जाओ। ठीक है। जीनी और सिंह सिंह, तुम भी तैयार हो जाओ। ठीक है, बाद में मिलते हैं टीटीपो। ठीक है। बहुत सुंदर। सतरंगे रंग पर पीली काली धारियाँ, टीटीपो ने तुम्हारे बारे में बताया था। ओ? तुम नई ट्रेन हो, है ना? ओ, हाँ, मैं आज ही यहाँ आया हूँ। मुझे तो इसकी आवाज़ भारी नहीं लगी। तो तुम अभी क्या कर रहे थे? मैं फूलों को देख रहा था। कितने सुंदर फूल है ना? सच में मुझे भी फूल पसंद है। मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ बहुत सारे फूल है। किसी दिन चलोगे? जरूर चलूंगा। मुझे काम है, अब मैं चलती हूँ। हाँ, मुझे भी जाना है। फिर मिलेंगे। डीजल बंदरगाह में पहुँच गया है। ठीक है, लोडिंग शुरू कर दो। एक और नया बच्चा। ओ? तुम जरूर चूचू शहर में आई नई मालगाड़ी हो। स्वागत है बच्चे। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ओह, ये जरूर मैनी होगा जिसके बारे में टीटीपो ने बताया था। देखते हैं कितनी ताकत है इसमें। अब सामान रखना शुरू करता हूँ। रख रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ, मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक जगह खड़ा हुआ हूँ। मुझे तो ठीक जगह ही लग रहे हो। नियम तो नियम होते हैं, निशान पर ही रुकना चाहिए। यहाँ। अब शुरू कर दीजिए। नियमों को काफी मानने वाले हो। चलो अब मैं रखता हूँ। एक मिनट रुकिए प्लीज सर, कंटेनर्स आराम से रखिए आप। हाँ? क्यों? मेरी बोगी पर खरोंच आ सकती है। ठीक है, तो मैं आराम से रख देता हूँ। आपका शुक्रिया। अजीब बात है, मैंने सोचा था ये ताकतवर होगा। शायद टीटीपो को इसके बारे में पता नहीं होगा। हाँ, क्योंकि कोई भी मालगाड़ी मुझसे मजबूत नहीं हो सकती। टीटीपो, टीटीपो, टीटीपो। हाय डीजल। मैंने मैनी को देखा। अच्छा, वो बहुत मजबूत है ना? बिल्कुल नहीं, वो तो इस बात से एकदम उल्टा है। क्या? ये क्या कह रहे हो? हाँ, मैंने अपनी आँखों से देखा उसे। वो तो सामान को लोड करवाने में भी काफी घबरा रहा था। लेकिन मैनी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेलो सर। सामान रखना शुरू कर दूं क्या मैं? हाँ, बिल्कुल। रख रहा हूँ। रुक जाइए। अब क्या हुआ बच्चे? प्लीज बहुत ध्यान से सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, मैनी ऐसा नहीं हो सकता। ओ, लेकिन वो है। हाय दोस्तों। हेलो। किस बारे में बात कर रहे थे? मैंने आज मैनी को देखा। मैं बस टीटीपो को वही बता रहा था। मैंने भी उसे देखा। मैनी और मैं फूल देखने जाएंगे। उसे भी फूल उतने ही पसंद है जितने की मुझे। क्या सच में मैनी ने कहा उसे फूल पसंद है? हाँ, हमारी बहुत सारी बातें मिलती जुलती है। फूलों की खुशबू का जवाब नहीं। मुझे लगता है तुम लोगों से गलती हो रही है। हमसे नहीं, तुमसे हो रही है। सही कहा, जैसा तुमने बताया वो उससे बिल्कुल ही अलग है। कितनी अजीब बात है।
उसी समय सिंह सिंह ने भी नई ट्रेन को देखा। हाँ? ये जरूर मैं नहीं होगा। आपका स्टेशन आ गया। मेरा काम खत्म। हाँ? हेलो। हेलो। हाँ? ये इतनी जल्दी स्टेशन तक कैसे पहुंच गया? क्या कोई मालगाड़ी मेरी जितनी तेज हो सकती है? हो गया, काम पूरा हो गया। काम पूरा करने के बाद मैनी वापस चूचू शहर आ गया। टीटीपो। ओ, मैनी आ गया। आप सब से मिलकर अच्छा लगा। मैनी, क्या तुम्हें सच में फूल पसंद है? तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं ना? जब क्रेनी सामान रख रही थी तुम्हें डर लग रहा था। मैंने बताया ना, वो डर रहा था। माफ करना, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ मालगाड़ी इतनी तेज कैसे दौड़ सकती है। तेज? अब समझ में आया। तुम भी जल्दी समझ जाओगे। हेलो। कैसे हो भाई? मैं अच्छा हूँ। एक जैसी दो मालगाड़ी, यहाँ दो मैनी हैं। हम जुड़वा भाई हैं। मेरा नाम बर्नी है। जुड़वा भाई? हाँ, देखने में एक जैसे लेकिन है बहुत अलग। बिल्कुल सही। तो जो फूलों को देख रहा था वो वो मैं था। और मैंने जिसे देखा, क्या वो भी तुम थे? हाँ। ये बताओ, जब मैंने तुम्हें पुल पर देखा था उसके बाद तुम स्टेशन इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए? जिसे तुमने स्टेशन पर देखा वो मैं हूँ, और पुल के ऊपर से मैं निकला था। तुमने पहले मुझे देखा फिर मैनी को। अब समझ आ गया सब। तुम दोनों तो सच में एक जैसे लगते हो। हाँ, मैं पहचान ही नहीं पाऊंगी। वैसे हम बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। जरा ध्यान से देखो, हम थोड़े अलग हैं। हमारी धारियाँ भी अलग है, देखो। अब ध्यान दिया मैंने। तुमसे तो मैं मिला ही नहीं। मेरा नाम है टीटीपो। मैं हूँ चीनी। मेरा नाम सिंह सिंह है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। और मैं यहाँ के सबसे दमदार मालगाड़ी डीजल। तुम सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। हम चूचू टाउन में तुम्हारा स्वागत करते हैं। चूचू शहर में दो नए दोस्त आए। उम्मीद है सब मिलकर रहेंगे। मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। चूचू शहर की एक नई सुबह। ओ देखो, डीजल आ गया। डीजल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीटीपो। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। तुम्हें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। मैंने सुना तुमने बहुत गलतियाँ की अपने पहले दिन। हाँ, शुरुआत में तो सब गलतियाँ करते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने तो कोई गलती नहीं की। सच में? तुम शुरू से ही अच्छे थे। बिल्कुल, मेरे काम का पहला दिन बहुत ही बढ़िया था। हुआ कुछ यूँ। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ओह, आ गए तुम। कमाल की रेल डीजल। हाँ, ड्यूटी के लिए हाजिर हूँ मिस्टर हब। सुनो, क्योंकि ये तुम्हारा पहला रूट है तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझा देता हूँ। रुकिए सर। कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही याद कर लिया। ओ, कमाल कर दिया, तुम सबसे अच्छे हो। तो अब मुझे चलना चाहिए, फिर मिलेंगे। जाओ डीजल जाओ, चूचू शहर का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। फिर अपने पीछे मालगाड़ी की लंबी लाइन लेकर मैं बंदरगाह की ओर चल पड़ा। हेलो। हाँ, जरूर वही मशहूर डीजल होगे तुम। लेकिन आज तो बहुत ज्यादा सामान है। चिंता मत करो, मैं संभाल सकता हूँ। वाह, मतलब जो सुना था वो सच है? तो लोड करता हूँ। ये दो, ये तीन। लो, हो गया। मैं जा रहा हूँ, अगली बार मिलता हूँ। बाय, ध्यान से जाना। ये मैं चला। मुझे लगता है ये ट्रेन डीजल है। मैं उसका फैन हूँ। इतना भारी सामान
अपने पहले ही दिन खींच कर ले जाने वाली मालगाड़ी सिर्फ मैं ही हूँ। मजा आया? बहुत ज्यादा। आना ही था। तुम्हारी शिफ्ट का समय हो चुका है। ठीक है मिस्टर हब, फिर मिलेंगे, मुझे जाना है। मुझे विश्वास है तुम अपने रूट पर बेहतर करोगे। शुक्रिया। ठीक है, मैं बेहतर कर सकता हूँ। आज मैं पूरा दिन प्रैक्टिस करूँगा। टीटीपो प्रैक्टिस करने के लिए प्रोडक्शन प्लांट की तरफ चल पड़ा। तो टीओ, सफर कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा और आरामदेह। प्लेटफॉर्म पर रुक कर दिखाओ। ठीक है, मुझे धीरे हो जाना चाहिए। मैंने कोर्स पूरा कर लिया। बहुत बढ़िया टीटीपो। सुनो टीओ, क्या मैं थोड़ी और प्रैक्टिस कर लूं? क्यों नहीं, जितना चाहो उतना कर लो, मैं तैयार हूँ, अब चलो। बढ़िया। टीटीपो ने पूरे दिन प्रैक्टिस की और रात को चूचू शहर लौट आया। जब यात्री बैठे हो तो सफर आरामदायक होना चाहिए। कभी झटके से मत रुको, हमेशा धीरे हो जाओ। टीटीपो, हाय जीनी। इतनी रात को क्या कर रहे हो? कल तुम्हें काम करना है। हाँ हाँ, और कल मैं बहुत अच्छा करके दिखाऊंगा। धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे, चिंता मत करो। शुक्रिया जीनी, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेता हूँ फिर सोऊंगा। ठीक है, मैं तो सोने जा रही हूँ। तो अब फिर से प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ऐसे तो वो बहुत थक जाएगा। ढलान पर कभी तेज मत चलो। टीटीपो, तुम्हारे रूट का समय हो रहा है, तुम अब तक पहुँचे क्यों नहीं? मुझे माफ कर दो, मैं भी आ रहा हूँ। मिस्टर हब, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। देर क्यों हो गई? तुम्हारा अलार्म नहीं बजा क्या? मैं माफी चाहता हूँ। यात्री इंतजार कर रहे हैं, जरा जल्दी करो। ठीक है। अरे नहीं, आज तो दिन की शुरुआत ही गलत हुई। कोई बात नहीं, अच्छा सोचो तो सब ठीक हो जाएगा। हेलो दोस्तों। हेलो, कैसे हो? चलो चलो चलते हैं। तो चलो चलते हैं। अरे बच्चे, क्या हो रहा है ये? इतनी धीरे क्यों चल रहे हो तुम? मुझे माफ कर दो, मुझे झपकी आ गई होगी। टीटीपो ध्यान दो। लो पहुंच गए, रुकने से पहले रफ्तार कम करो। हम स्टेशन पर पहुंच गए। मैं पहले रुक गया, निशान पर नहीं रुक पाया। जरा एक मिनट रुकिए। आप सब उतर सकते हैं अब। झटका ही लगाना था तो बता तो देते कम से कम। टीटीपो, टीटीपो, टीटीपो। हाय दोस्तों, क्या बात है? फिर से गलती हो गई? हाँ, मैंने फिर गड़बड़ कर दी। फिर से हो गई? कोई बात नहीं, हर ट्रेन से शुरुआत में गलती होती है। सबसे नहीं होती, डीजल ने बताया वो शुरू से ही अच्छा था। ये डीजल? हाँ, दूसरी ट्रेन ने उसकी तारीफ भी की थी। डीजल, तुमने फिर से डींगे मारनी शुरू कर दी? नहीं नहीं, मैं तो टीटीपो, मैं बताती हूँ असल में क्या हुआ था। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। ओ, ये क्या? डीजल, एक दो तीन चार पाँच, तुम्हारे साथ इतनी सामान गाड़ी क्यों लगी है? बहुत ज्यादा तो नहीं है? अभी तुम बिल्कुल नए हो, इसलिए ज्यादा भार खींचना ठीक नहीं है। मैं संभाल लूंगा, डरिए मत। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम दो ही माल डब्बे लेकर जाओगे। ठीक है सर। हाँ, वैसे इतने ज्यादा भी तो नहीं थे वो। हाँ, वो अंदर गए।
ओह, कोई देख तो नहीं रहा मुझे। मैं चुपचाप निकलता हूँ। वाह, ये बंदरगाह कितना सुंदर है। हेलो मिस्टर क्रेनी, मैं नई मालगाड़ी डीजल हूँ। हाँ, तो काम का पहला दिन है। हाँ, एक मिनट रुको बच्चे। एक, दो, और हो गया। इतने ही मिलेंगे मुझे? मैं इससे ज्यादा ले जा सकता हूँ। ऐसा तुम्हें लगता है, पर ऐसा है बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं ज्यादा ले जा सकता हूँ। सच में? ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं रख देता हूँ। लोडिंग, लोडिंग, लोडिंग। अब तो खुश हो तुम? पटरी पे ध्यान से चलाना। ठीक है, गुड बाय मिस्टर क्रेनी। गुड बाय, मिलते हैं बच्चे। हाँ, जरूर नया होगा। इतने सारे सामान के साथ तेज चलना खतरनाक होता है। मैं हर काम इतना अच्छा कैसे कर लेता हूँ? अब अपनी रफ्तार को आजमाता हूँ। तो डीजल अपने काम के पहले दिन पर जमीन पर गिर गया था। अगर सही समय पर उसकी मदद नहीं की जाती तो वो दोबारा चूचू टाउन नहीं आ पाता। सच में? ये है सच्चाई। गलत बात डीजल, उस दिन तुमने मुझे वो झूठी कहानी क्यों सुनाई थी? वो मैंने झूठ बोला था, पर ये भी तो सच है कि हम सब पहले दिन गलती करते ही हैं। क्या? मुझे तो याद नहीं। क्या गलतियाँ की थी? वो कहानी मैं सुनाता हूँ। जीनी के पहले दिन सुबह बहुत बरसात हुई तो पटरियों के आसपास पानी जमा हो गया। चीनी ने ध्यान ही नहीं दिया और कीचड़ उछलकर उस पर लग गया। हेलो दोस्तों। हेलो। हंस क्यों रही हो? मॉम, उस रेल को देखिए, कितनी गंदी है। ऐसे नहीं बोलते बेटे। क्या, किसने कहा मैं गंदी हूँ? हैरानी की बात है। मुझ पर कीचड़ लग गया, मैं कितनी गंदी लग रही हूँ। काश मैं इसे धो पाती। और जीनी अपने कीचड़ वाले चेहरे से इतनी परेशान थी कि वो एक स्टेशन पर रुके बिना ही चली गई। और वो रास्ता भूल गई। ये हम समुद्र के ऊपर कहाँ जा रहे हैं? सीगल, इतनी बड़ी गड़बड़ की थी इसने। तुमने भी तो मेरी बात बताई थी। हाँ, लेकिन मैंने बढ़ा चढ़ाकर नहीं सुनाई थी। पर मैंने तो सिर्फ सच ही बताया है। ये ठीक नहीं है। तुम तो बोलो ही मत ये सब। बस बहुत हुआ, झगड़ना बंद करो। शुक्रिया दोस्तों। पहले मैंने सोचा तक नहीं था कि तुम दोनों ने गलतियाँ की होंगी, लेकिन तुम्हारी कहानियाँ सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ गई है। मैं बहुत खुश हूँ टिटी पाप। एक बात कहूँ, मेरी तरह बनने के लिए तुम्हें अभी बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा मुकाबला नहीं डीजल। दूसरी रेलगाड़ियों से भी गलती हो जाती है। टीटीपो, मुझे विश्वास है कि कल तुम बेहतर करोगे। डीजल का खजाना। हाँ, ये आवाज कैसी है? ओ, छोटी ट्रेन्स फिल्म देख रही हैं। बचाओ, बचाओ यहाँ से। शायद गार्डन एक्स वहाँ से सबको बचा कर ले जाएगा। ये बिल्डिंग धमाके से नीचे गिरने वाली है। आ गए, डरने की जरूरत नहीं, अब तुम सुरक्षित हो दोस्त। ये सबसे शक्तिशाली है। वाह, गार्डियन एक्स।
अगला दिन शुरू हो चुका है। डीजल हमेशा की तरह मेहनत से काम कर रहा है। जल्दी से काम खत्म हो जाए तो मैं गार्डियन एक्स की मूवी देखूं। एक मिनट रुकिए। कैसे हैं? गार्डियन एक्स यहाँ। विश्वास नहीं होता कि आप मेरे सामने हो। तुम्हें रोकने के लिए माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं, मुझे हीरो स्टूडियोज जाना है। तुम्हें पता है कि कहाँ है? हाँ पता है, सीधे चौराहे पे जाइए, फिर दाहिने मुड़ी और सीधे जाइए। वाह, गार्डियन एक्स मुझसे बात कर रहे हैं, ये जरूर सपना है। बहुत मजाक किया हो। तुम्हारा नाम क्या है छोटी ट्रेन? जी डीजल है। बहुत बहुत शुक्रिया डीजल। एक मिनट। हाँ? वो मुझे एक काम है आपसे। काम? अपना काम पूरा करने के बाद डीजल वापस चूचू टाउन जा रहा है। अरे ये तो टीटीपो है। टीटीपो, कैसे हो दोस्त? हेलो। जरा मुझे देखो, क्या मुझमें कुछ अलग दिखाई दे रहा है? तुम्हारे चेहरे पर जो धूल है उससे लगता है तुमने कोयला खींचा। धूल को छोड़ो, जरा मेरी साइड में तो देखो। साइड? ये तो गार्डियन एक्स का ऑटोग्राफ है। ये तुम्हें कैसे मिला? मैंने उसे रास्ता बताया और उसने मुझे ऑटोग्राफ दिया। वाह, तुम कितने लकी हो। मैं बहुत लकी हूँ। लेकिन जानते हो, ये तो मिट जाएगा जब तुम नहा कर आओगे। तो मैं कभी नहीं नहाऊंगा। ये मेरा सबसे बड़ा खजाना है, मैं जल्दी जाकर सबको दिखाना चाहता हूँ। लेकिन डीजल, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। लेकिन काम पर तो उसे साफ सुथरा ही जाना पड़ेगा। डीजल ने अपने हर दोस्त को गार्डियन एक्स के ऑटोग्राफ दिखाए। हाय जीनी, जानती हो आज मैं गार्डियन एक्स से मिला। गार्डियन एक्स से मिले? वाव, तुम्हें गार्डियन एक्स के ऑटोग्राफ मिले? कितना मस्त है ना? हाँ। अगर आज मैं नहीं होता ना, तो गार्डियन एक्स शूटिंग पे नहीं पहुँच पाता। अच्छा, तुमने कमाल कर दिया डीजल। उसने थैंक यू कहते हुए मुझे ऑटोग्राफ दिया है? ये देखो, मस्त है ना? ये तो साफ पता चल रहा है कि मैं नहाया नहीं हूँ। अगर मिस्टर हब ने मुझे ऐसे देख लिया तो तुरंत मुझे नहाने के लिए भेज देंगे। डीजल, कितनी बार कहा है कि काम पर जाने से पहले नहाया करो। अब मैं क्या करूँ? मैं सुबह जल्दी उठूंगा और मिस्टर हब से बचकर निकल जाऊंगा। कितना समझदार हूँ मैं। चूचू शहर में एक नई सुबह की शुरुआत, और डीजल चुपके से काम के लिए निकल रहा है। मैं आवाज किए बिना जाता हूँ। चुपचाप चुपचाप। तरकीब कामयाब हो गई। गुड मॉर्निंग। आज जल्दी आ गए डीजल। बिल्कुल, तो आज मैं क्या ले जा रहा हूँ? आज तुम्हें यहाँ से खाद के बोरे ले जाने हैं। ठीक है। वो ऑटोग्राफ। तुम्हें पता है क्या? क्या? मेरे पास कुछ मस्त है, देखकर हैरान हो जाओगे तुम। बिना बताए पीछे मत आओ। क्या तुम ठीक हो डीजल? मैं ठीक हूँ। ये बदबू कैसी आ रही है? खाद के कुछ बोरे फट गए हैं। खाद में बहुत बदबू होती है। डीजल, तुम काम के बाद नहा लेना। पर क्या बिना नहाए मेरा काम नहीं चल सकता? ऑटोग्राफ। यहाँ इस तरफ खाद आ गई है। तुम में से बदबू आ रही है। आज तुम इतने गंदे क्यों हो डीजल? माफ कीजिए। काम के बाद तुम्हें सीधा नहाने के लिए जाना होगा। अब मैं क्या करूं? कितना प्यारा पपी है। अरे मेरे ऊपर नहीं, गंदा पपी। मैं नहा भी नहीं सकता हूँ, क्या करूं मैं अब? टिटीपो टिटीपो। पूरी तरह गंदा होने के बाद डीजल चूचू टाउन पहुंचा। हाय दोस्तों। हेलो डीजल। तुम ऑटोग्राफ फिर से देखोगे? नहीं शुक्रिया।
अरे पर ये गार्डियन एक्स का ऑटोग्राफ है, देखो तो सही तुम। दूर रहो, तुमसे बदबू आ रही है। क्या सच में बदबू आ रही है? हाँ। ठीक है फिर, मैं नहा ही लेता हूँ। बिल्कुल सही फैसला लिया तुमने, हम ट्रेन वॉश तक तुम्हारे साथ चलते हैं। टीटीपो और जीनी डीजल को ट्रेन वॉश ले गए। ठीक है, तुम अंदर जाओ डीजल, तुम साफ हो जाओ, फिर खेलने चलेंगे। ठीक है। कितनी ट्रेन के पास मेरा ऑटोग्राफ है? सिर्फ तुम्हारे पास डीजल। मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं गार्डियन एक्स का ऑटोग्राफ नहीं मिटाऊंगा, मैं नहीं नहाऊंगा। टीटीपो और जीनी को अपने दोस्त डीजल की बहुत चिंता हो रही है। समझ नहीं आता, अगर वो नहीं नहाएगा तो बदबू बढ़ती जाएगी। बिल्कुल ठीक। ये ठीक रहेगा, लगता है आज जरूर बरसात होगी। टीटीपो, हम डीजल के साथ पिकनिक पर चलते हैं। पिकनिक? लेकिन आज बरसात होगी। वही तो, अगर उस पर बरसात हो जाए तो वो अपने आप साफ हो जाएगा। वाह, जीनी तुम बहुत समझदार हो। चलो अच्छा किया कि मैं नहाया नहीं, गार्डियन एक्स का ऑटोग्राफ ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। देखो मैं नहाने वाला नहीं हूँ। हम यहाँ इसलिए नहीं आए डीजल, हम पिकनिक पर चलते हैं। पिकनिक? ठीक रहेगा। बढ़िया। छोटी रेलगाड़ियाँ घूमने जा रही हैं। बादल घिरे हुए हैं, लगता है आज बारिश होगी। ऐसा कुछ नहीं है, चिंता मत करो। ठीक कहा, वैसे भी हम पहुँचने वाले हैं। देखो बारिश हो गई, जल्दी से चूचू टाउन चलते हैं। लेकिन क्यों? क्या तुम्हें बरसात अच्छी नहीं लग रही है? हाँ बिल्कुल, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? हाँ वैसे मजा आ तो रहा है। अरे नहीं, गार्डियन एक्स का ऑटोग्राफ धुलकर मिट रहा है। बारिश रुक गई। डीजल, तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा? इस बारे में? फिर से साफ होकर। मेरा ऑटोग्राफ, दोस्तों बताओ क्या वो अब भी मुझ पर है? ओ, नहीं वो धुल गया। क्या? लेकिन अच्छा ये हुआ कि तुम साफ हो गए और तुमसे बदबू नहीं आ रही। ऑटोग्राफ धुल गया? तुम दोनों जानते थे कि बारिश होगी और चालाकी से मुझे यहाँ ले आए तुम। हम तुम्हारा भला चाहते थे। लेकिन तुमने ठीक नहीं किया मेरे साथ। डीजल, डीजल हमसे बहुत नाराज है। बुरा लग रहा है। हम किसी तरीके से उसे फिर से ऑटोग्राफ नहीं दिलवा सकते? हाँ, मुझे एक आइडिया आया। अगर हम उस स्टूडियो में जाएं जो डीजल ने बताया था, तो हम गार्डियन एक्स से मिल सकते हैं। जो हुआ वो बताकर हम फिर से ऑटोग्राफ ले लेंगे। अच्छा आइडिया है, तो अभी चलते हैं। ठीक है। डीजल, डीजल, चलो बाहर आ जाओ। क्यों आऊँ मैं अब? तुम्हारी वजह से मेरा सबसे कीमती खजाना चला गया। डीजल, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। बाहर नहीं आए तो बाद में पछताओगे। डीजल, अरे बाहर तो आओ। टीटीपो, मुझे पता है कि तुम गार्डियन एक्स की आवाज निकाल रहे हो। ठीक है, मैं तुमसे मिलने आया था, पर चलो अब वापस चला जाता हूँ। क्या ये सच में गार्डियन एक्स होगा? डीजल, गार्डियन एक्स, क्या हाल है दोस्त, फिर मिल गए हम। जानता हूँ मैं नकली अच्छी करता हूँ, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं। चुप। डीजल, सुना मेरा ऑटोग्राफ मिट गया है? वो मेरा अनमोल खजाना था। अरे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ तुम्हारे लिए, ये लो। उम्मीद है ये तुम्हारे पास ज्यादा वक्त तक रहेगा। गार्डियन एक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे शुक्रिया मत कहो, शुक्रिया तुम्हें अपने दोस्तों का करना चाहिए। दोस्तों का? तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए एक और ऑटोग्राफ लेने आए थे। टीटीपो और जीनी ने पूरा दिन मेरी शूटिंग खत्म होने का इंतजार किया। इसीलिए यहाँ पर आए आप। शुक्रिया दोस्तों, मेरे लिए कितना सोचते हो तुम। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। हम खुश हैं क्योंकि तुम खुश हो डीजल। तो यहाँ आने के लिए शुक्रिया गार्डियन एक्स, क्या मुझे ऑटोग्राफ दोगे?
क्या? अपने दोस्तों की वजह से डीजल को एक नया खजाना मिला। मुबारक हो डीजल। जीनी ने बनाया एक नया दोस्त। छोटी रेलगाड़ियाँ हमेशा की तरह आज भी बहुत काम कर रही हैं। हम पहुँच गए। वाह, छोटा सा पापी, कितना प्यारा है। अरे देखो कितना सुंदर पप्पी। ये अकेला यहाँ क्या कर रहा है? शायद किसी का इंतजार कर रहा है। किसी का इंतजार कर रहा है? चलने का समय हो गया। बाय छोटे पप्पी। जीनी चूचू टाउन में वापस आ गई। मैं आ गई। हेलो जीनी, आज का दिन अच्छा रहा? हाँ, मैंने अपने रूट पर आज एक छोटे से पप्पी को देखा। पप्पी देखा तुमने? हाँ, पर ऐसा लगा जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। शायद मालिक से बिछड़ गया हो। अगर उसे उसका मालिक नहीं मिला तो उसे एनिमल पाउंड में भेज देंगे। वो क्या होता है? वहाँ पर लावारिस जानवरों को शरण दी जाती है। ओ, बेचारा। अगला दिन शुरू हो गया और जीनी अपने काम पर जा रही है। हेलो मिस्टर हब। ओ जीनी, तुम्हारा सफर अच्छा रहे। शुक्रिया, बाद में मिलूंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। और जिनी कैसी हो? हेलो, गुड मॉर्निंग। बेचारी जीनी, कितनी भूल लग गई इस पर। हेलो, स्वागत है। कितनी भूल है। माफी चाहती हूँ। दिन भर मेहनत करने के बाद जीनी चूचू टाउन आ रही है। पपी बहुत अच्छे दोस्त बन गए और हर रोज जीनी अपने नए दोस्त से मिलने के लिए कंट्री स्टेशन जाने लगी। हेलो छोटे पपी। ढूंढ लिया। टिटीपो टिटीपो।
हेलो। कहाँ को चली? आज तो छुट्टी है तुम्हारी। हाँ जीनी, तुम हर रोज कहाँ जाती हो? तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? देखना तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ? मेरे पीछे आओ। ठीक है। वाह! अरे वाह! ये तो दुनिया का सबसे प्यारा पति है। कितना प्यारा है। है ना? मुझे पता था तुम्हें जरूर पसंद आएगा। लगता है पपी मुझे पसंद करता है। अजीब बात है, मुझे गर्म क्यों लग रहा है? क्या किया ये? पपी को लगा तुम बाथरूम हो। क्या बाथरूम? काश हम पपी के साथ हर रोज खेल पाए। लेकिन दोस्तों, लगता है किसी का इंतजार कर रहा है। जरूर कर रहा है, शायद अपने मालिक का कर रहा हो। ऐसा लगता है। पपी को अलविदा कहने के बाद तीनों दोस्त वापस शहर की ओर चल पड़े। हम आ गए मिस्टर हॉप। बढ़िया, इसको देखो और मुझे बताओ कि क्या तुमने इस पपी को देखा है? इसका मालिक इसे ढूंढ रहा है। इसी पपी को तो हमने देखा था, है ना? तुमने इस पपी को पहले देखा है? हाँ, इसी को देखा था। जीनी बताओ ना। नहीं, गलत कह रहे हो। ये वो पपी नहीं है। ये वो नहीं है? मैं बाद में मिलती हूँ। जीनी, अजीब बात है। अगर पपी को मालिक मिल गया तो मैं उसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। जरा सुनिए, क्या आपने ये पपी कहीं पर देखा है? नहीं, सॉरी। क्या आप बता सकती हैं, आपने इस पपी को कहीं आसपास देखा है? जरूर इनका ही पपी होगा। अब मैं क्या करूं? अरे देखो, कितना सुंदर पपी। ये अकेला यहाँ क्या कर रहा है? शायद किसी का इंतजार कर रहा है। पपी भी अपने मालिक को ढूंढ रहा था। मुझे अपने दोस्त की मदद करनी होगी। क्या आपने मेरे पपी को देखा है सर? मैंने देखा है। मुझे पता है आपका पपी कहाँ है। अभी आपको वहाँ लेके जा सकती हूँ। सच? ले जाओगी? तुम्हारा शुक्रिया। सुनो पपी, बाहर आ जाओ। कहाँ चला गया? यहाँ तो मेरा कोंगी नहीं है। सच कह रही हूँ, यही था। सुनो पपी। पपी को ले गया? हाँ, उसने सोचा होगा वो हमारा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये काम मुझ पर छोड़ दो तुम। उसे मेरे दोस्त को वापस लाना होगा। जरा सुनिए। प्लीज जरा रुकिए। मुझे उम्मीद है टायो उसे वापस ले आएगा। काश ऐसा ही हो। जीनी, टायो, क्या कोंकी मिल गया? मैंने कहा था ना, मैं लेकर आऊंगा पपी। देखो। कोंकी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। मिल ही गया। जीनी, टायो, तुम दोनों का शुक्रिया। कोई बात नहीं। मदद करके अच्छा लगा।
एक नए दिन की शुरुआत हुई और छोटी रेलगाड़ियाँ काम पर जाने के लिए तैयार हैं। हाय जीनी, काम पर जा रही हो? बाद में मिलती हूँ। ये जीनी इतनी उदास क्यों है? कोंगी की वजह से, अब वो उसे नहीं मिल पाएगी। बेचारी जीनी। कोंगी तुमसे मिलने की जिद कर रहा था जीनी। क्या सच में? इसलिए हम टहलने के लिए हर रोज यहाँ आया करेंगे। मुझे लगा था मैं फिर से नहीं मिल पाऊंगी। कोंगी। जीनी अब भी कोंगी से रोज मिल पाएगी। कितनी अच्छी बात है ना?